हेलो नमस्कार दोस्तों, फटाफट से जानेंगे देश के सभी राज्यों का अगले आने वाले 24 से 48 घंटों का मौसम का हाल कैसा रहने वाला है, यानी कि कहां पर बारिश होने वाली है और कहां पर जो है सर्दी पड़ने की संभावना मौसम विभाग के द्वारा जता दी गई है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में जानेंगे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, असम, आंध्र प्रदेश, गोवा, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, छत्तीसगढ़, सिक्किम, मेघालय, उड़ीसा, इन सभी राज्यों का मौसम का हाल कैसा रहने वाला है। एक एक करके सभी राज्यों का मौसम हाल विस्तार रूप से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कहां पर क्या कुछ होगा। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और जो लाल वाला बटन है उसको दबाकर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो पास वाला बेल आइकन है इसको भी जरूर से दबा दीजिएगा। और यहां नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपने राज्य, जिले, क्षेत्र या अपने गाँव का नाम, आप जहाँ कहीं पर भी रहते हैं हमें कमेंट करके सही सही से जरूर बता दीजिएगा, ताकि अगले आने वाले वीडियो में जो है हम आपको आपके क्षेत्र से संबंधित, आपके गाँव से संबंधित मौसम की सही जानकारी, सटीक जानकारी आपको उपलब्ध करा सके। तो फटाफट से जानते हैं मौसम काल कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों मौसम विभाग ने बताया है कि अगले आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान ही दक्षिणी तमिलनाडु और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में हल्की से लेकर मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। वहीं आंतरिक तमिलनाडु और केरल में भी आज और कल छिटपुट हल्की बारिश होने की पूरी पूरी संभावनाएं मौसम विभाग के द्वारा जता दी गई है। जबकि मौसम विभाग ने बताया है कि तटीय कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के साथ साथ गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में भी एक या दो स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम स्तर तक की बारिश हो सकती है। जबकि मुंबई, पुणे, दिल्ली और अहमदाबाद की वायु गुणवत्ता में जो है कोई महत्वपूर्ण सुधार होने की उम्मीद फिलहाल नहीं जताई गई है मौसम विभाग के द्वारा। इसके अलावा दोस्तों बात कर ली जाए कि देश भर का मौसमी सिस्टम है जो क्या कहता है। तो दोस्तों मौसम विभाग ने बताया है कि अगले दो दिनों के दौरान ही दक्षिणी अंडमान सागर के ऊपर एक चक्रवर्ती हवाओं का क्षेत्र विकसित होने की संभावना है और इसके प्रभाव से जो है दक्षिणी पूर्व बंगाल की खाड़ी और इससे सटे दक्षिणी अंडमान सागर के ऊपर भी एक कम दबाव का क्षेत्र बढ़ने की पूरी पूरी संभावना मौसम विभाग के द्वारा जताई गई है। और इसके बाद ही जो है 48 घंटों के दौरान यह एक अति गहरे निम्न दबाव या डिप्रेशन में भी बदल सकता है और यह जो है तमिलनाडु की ओर पश्चिमी उत्तर पश्चिम दिशा में भी आगे बढ़ना जारी रख सकता है। इसके अलावा पश्चिम हिमालय पर भी एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों बात करें कि देश भर का मौसमी सिस्टम है जो बीते 24 घंटों के दौरान कैसा रहा, यानी कि कहां पर बारिश हुई है और कहां पर जो है आंधी तूफान दर्ज किया गया है। तो दोस्तों मौसम विभाग ने बताया है कि बीते 24 घंटों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में भी हल्की से लेकर मध्यम बारिश दर्ज की गई है। इसी के साथ मौसम विभाग ने बताया है कि तटीय आंध्र प्रदेश के भी अलग अलग इलाकों में हल्की से लेकर मध्यम बारिश हुई है। देश के बाकी हिस्सों में मौसम लगभग जो है शुष्क बना रहा, जबकि दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक बेहद खराब श्रेणी में रहा। पुणे और मुंबई खराब श्रेणी में थे, जबकि अहमदाबाद जो है मध्यम श्रेणी में दर्ज किया गया था बीते 24 घंटों के दौरान। तो दोस्तों यह था संपूर्ण भारत का अगले आने वाले 24 से 48 घंटों का मौसम का पूर्व अनुमान। अभी आपके क्षेत्र का मौसम कैसा और आप किस क्षेत्र से हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बता दीजिएगा, ताकि अगले आने वाले वीडियो में जो है हम आपको आपके क्षेत्र से संबंधित, आपके गाँव से संबंधित मौसम की सही जानकारी, सटीक जानकारी आपको उपलब्ध करा सके। और अब तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो जरूर से कर देवें और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेवें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।